तो मान लें सर्कुलर क्वाइल में करंट आई चल रहा है, इसका रेडियस आर है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू एन आई ए, चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स वन है इसलिए एन के जगह वन है, आई तो आई है ही है, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर आई पाई आर स्क्वायर। चूंकि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। अगर आपको थोड़ा गौर से सोचें तो इस करंट कैरिंग क्वाइल के अगर इधर से देखा जाए तो आप पार्ट इसका मतलब ही नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहे हैं इस तरफ से, अगर पीछे से देखा जाए तो करंट इधर से आ रहे हैं तो उधर से देखने पर उस साउथ की तरह बिहेव करेंगे, इधर से देखने पर ही नॉर्थ, इसका मतलब है कि पीछे इसके साउथ है और आगे इसके नॉर्थ है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ का मतलब क्या होगा अब बार। सिंपल हमें समझा रहे कि जो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, नहीं समझ लो ये डायरेक्शन है किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट का साउथ टू नॉर्थ है। अभी इस केस में कहां है अप, अभी इस केस में कहां है अप, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर कोई ऐसा वायर रहेगा इसमें करंट चल पाएंगे ऐसे बिना बैटरी उटरी का, ये तो माना हुआ है ना कि एक सर्कुलर कॉइल इसमें आए करंट चल रहा है भाई, तो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर आई पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि मान लो कि रिंग है जो पूरा का पूरा चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, मान लें कि रिंग है जो पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज पर चार्ज क्यू है, और इसका मास मान लो कि एम है, इसका रेडियस मान लो कि आर है, और इस पूरे रिंग को घुमाया जा रहा है ओमेगा से। जब ये रिंग ओमेगा से घूमेगा मतलब चार्ज घूम रहे ओमेगा से। जब सबसे पहला आवाज हम लोग करंट स्टार्ट किए थे उसमें एक सवाल कराया गया था कि यदि कोई चार्ज वी वेलोसिटी से एक से गुजर पाथ पर घूमे तो करंट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बाई टू पाई आर, क्यू इंटू वी बाई टू पाई। तो आप साफ समझ रहे होंगे वहां से कि करंट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बाई टू पाई आर। अगर कोई चार्ज क्यू आर रेडियस वाले से गुजर पाथ पर घूमे वी वेलोसिटी से अभी स्पीड से तो उसका करंट होता है क्यू गुने भी बटे टू पाई आर, चूंकि हम जानते हैं कि भी बराबर ओमेगा आर, भी बराबर तो आर से आर, इसका मतलब करंट का वैल्यू कितना आया ये क्यू ओमेगा वाई टू पाई, क्यू ओमेगा वाई। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा यहाँ से, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से कितना आएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू एन आई ए, एन तो नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, आई का वैल्यू बोलिए क्यू ओमेगा वाई टू पाई, क्यू ओमेगा वाई आर ए पाई आर स्क्वायर, पाई आर नहीं पाई से पाई, पाई से पाई। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या हो गया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई, ये क्या है हम लोग का मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक हाँ कैपिटल है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। थोड़ा यहाँ देख लो तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट एम इज इक्वल टू क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। हम क्या कर रहे हैं अपने मन से एक छोटा एम एक और नीचे एक छोटा एम से गुना भाग कर रहे हैं, छोटा एम क्या है रिंग का मास, छोटा एम क्या है रिंग का मास, यह जानने के लिए कि एम ओमेगा आर स्क्वायर जो है ना एक एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ लें कि एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, आई आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज द मोमेंट ऑफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर एम आर स्क्वायर, और ये हो गया ओमेगा, इसलिए हो गया एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया आपका कि मैग्नेटिक मोमेंट बटा एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट बटा एंगुलर टर्म इज इक्वल टू क्यू बाई टू एम, एक फॉर्मूला की तरह यूज करना है इसको एकदम, कि मैग्नेटिक मोमेंट बटा एंगुलर मोमेंटम बराबर क्यू बाई, इससे आप मैग्नेटिक मोमेंट का मान भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लें कि एक डिस्क है, क्या है डिस्क है, इसका भी रेडियस R है, ये भी चार्ज कितना है Q, इसका भी मास कितना है, और ये घूम रहे हैं कितना से, तो इसके लिए वैलिड होंगे ये मैग्नेटिक मोमेंट बटा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बराबर आई ओमेगा, डिस्का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस स्क्वायर बाई टू, डिस्का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस स्क्वायर बाई इनटू ओमेगा आई ओमेगा, हो गया एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट बटा एंगुलर मोमेंटम बराबर क्यू बाई टू एम, क्यू बाई एम से एम, बाकी जो बचा आंसर एम इज इक्वल टू बोल Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई फोर, Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई, जबकि यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट आया था Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, इसका Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई फोर। अगर मान लें कि ये हो गया आपका किसके बारे में बात चल रहा था हम लोग का डिस्क के बारे में, अगर हम बात करें किसके बारे में हॉलो स्फीयर के बारे में, किसके बारे में हॉलो स्फीयर के बारे में, तो हम समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट बटा एंगुलर मोमेंटम हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर टू बाई थ्री हमारा स्क्वायर,
होलो स्पेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर 2 बाय 3 एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा बराबर क्यू बाय 2m क्यू बाय m से m m इज इक्वल्स टू क्यू ओमेगा आर स्क्वायर 3 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4 सही है गलत सही है नहीं नहीं टू बाई थ्री यहाँ जाएगा क्यू ओमेगा स्क्वायर बाई थ्री अब सही हाँ टू से टू कैंसिल क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई थ्री यहाँ गुना होगा और ओमेगा भी यहाँ गुना होगा सही है ना क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई सही गलत सही सॉलिड स्फीयर के लिए बोलो सॉलिड स्फीयर के बारे में अगर देखा जाए तो सॉलिड स्फीयर का मैग्नेटिक मोमेंट बटा एंगुलर मोमेंटम टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर टू बाई फाइव बताए ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर इन टू ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बाई 2 एम एम से एम फिर 2 से 2 तो बोल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 5 सही है नहीं रट जाना है फॉर्मूला दम कि मैग्नेटिक मोमेंट बटा एंगुलर मोमेंटम बराबर क्यू बाई 2 एम क्यू बाई 2 एम चलो अब आशा करते हैं हम लोग एम्पियर्स ला कौन ला एम्पियर्स ला एम्पियर्स ला क्या है देखो यहाँ कि B डॉट D L इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई इनक्लोज्ड म्यू नॉट इन टू आई इनक्लोज ये एम्पियर्स ला B डॉट D L इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई इन अच्छा ये जो घेरा घेरे क्या है क्लोज लूप को बताते हैं क्लोज लूप को बता रहे हैं क्लोज लूप को बता रहे हैं B डॉट D L इक्वल टू म्यू इन डॉट इन टू आई इन अच्छा ये जो करंट कहाँ है इनक्लोज मतलब किसके इनक्लोज लूप लूप किसके इनक्लोज लूप के इनक्लोज मतलब लूप के अंदर का करंट लूप के अंदर का करंट है वो आई इनक्लोज मतलब किससे लूप से घेरा हुआ है ना बी डॉट डी एल ओवर ए क्लोज लूप आधे जब पढ़ते थे गॉस थ्योरम ई डॉट डी ई डॉट ओवर ए क्लोज गॉसियन सरफेस उठा क्लोज गॉसियन सरफेस वो गॉसियन तो बात का नाम है क्लोज सरफेस क्लोज क्लोज लूप वहां था डी ए ई डॉट डी ए या बी डॉट डी एल एल लेंथ लेंथ एल क्या है लेंथ मतलब लूप बनेंगे वहां था डी ए मतलब सरफेस एरिया बनते थे तो ये बी डॉट डी एल मतलब कि बी डॉट डी एल ओवर ए क्लोज लूप बी डॉट डी एल ओवर ए इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इन टू नेट करेंट इन क्लोज आई इन क्लोज का मतलब ये हुआ कि करेंट इन साइड लूप करेंट इन साइड लूप लूप के अंदर वाले करेंट ये आपका बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इन टू आई इन क्लोज आपका एम्पियर्स ला लेकिन इससे बहुत सारा बात और है थोड़ा सा लिखो पहले इसको उसके बाद देखते हैं